आज हम जानेंगे महाराष्ट्र में पोला पर्व मनाने का तरीका। पोला के पहले दिन किसान अपने बैलों के गले एवं मुंह से रस्सी निकाल देते हैं। इसके बाद उन्हें हल्दी बेसन का लेप लगाते हैं। तेल से उनकी मालिश की जाती है। उन्हें गर्म पानी से अच्छे से नहलाया जाता है। अगर पास में नदी तालाब होता है तो उन्हें वहां ले जाकर नहलाया जाता है। उन्हें बाजरा से बनी खिचड़ी खिलाई जाती है। इसके बाद बैल को अच्छे से सजाया जाता है। उनकी सिंग को कलर किया जाता है। उन्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाए जाते हैं। तरह तरह के जेवर फूलों की माला उनको पहनाते हैं, शाल उड़ाते हैं। इन सब के साथ साथ घर परिवार के सभी लोग नाच गाना करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैलों को सिंग में बंधी पुरानी रस्सी को बदलकर नए तरीके से बांधा जाता है। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने पशुओं को सजा कर लाते हैं। इस दिन सबको अपने बैलों को दिखाने का मौका मिलता है। फिर इन सब की पूजा करके पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ इनका जुलूस निकाला जाता है। इस दिन घर में विशेष तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पूरन पुली, गुजिया, वेजिटेबल करी एवं पांच तरह की सब्जी मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाती है। कई किसान इस दिन से अपनी अगली खेती की शुरुआत करते हैं। कई जगह इस दिन मेले भी लगाए जाते हैं। यह तरह तरह की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जैसे वॉलीबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो आदि तरह के।